भारत एट नाइन काविंद्र चौहान के साथ। एक बार फिर स्वागत है आपका भारत एट नाइन में, और एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। लखीमपुर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये लगभग हर किसी को पता है, लेकिन क्या और राज्यों में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या मध्य प्रदेश में सब कुछ ठीक है, राजस्थान में सब कुछ ठीक है, महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक है, और छत्तीसगढ़ में सब कुछ ठीक है? महाराष्ट्र की बात सुनते ही सबसे पहले आपके जहन में एक सवाल आया होगा कि महाराष्ट्र में तो सब कुछ ठीक नहीं है, क्यों ठीक नहीं है? आम जनता को ये खुद से सवाल पूछना चाहिए कि टीवी क्यों चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर आपको ये बता रहा है कि एक आदमी है जिसका बेटा है और वो ड्रग्स का सेवन करता था और वो इस मामले में गिरफ्तार हो गया है। क्या 1947 से लेकर आज तक हमारे देश में किसी भी राज्य के किसी भी कोने में किसी भी बेटे के किसी भी बाप को उनका कोई भी नाम रहा हो गिरफ्तारियां नहीं हुई? और अगर गिरफ्तारियां हुई हैं तो ऐसे में आज इसको इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? महाराष्ट्र में एक फिल्म स्टार, एक एक्टर का बेटा गिरफ्तार हुआ है, वजह है ड्रग्स लेना, इसको लेकर चीख पुकार है। लेकिन चीख पुकार करते वो टीवी एंकर एक बार खुद से क्यों नहीं पूछ लेते कि वो जहां पर अपने चैनलों को संचालित कर रहे हैं क्या उस इलाके में, क्या उस क्षेत्र में कोई भी ऐसा नहीं है जो ड्रग्स का सेवन करता हो? ड्रग्स का सेवन करने के लिए और जानने के लिए समझने के लिए अगर हम थोड़ा थोड़ा दूर चले जाएं और जंगलों खेतों नुमा इलाकों में जो कॉलेजेस बनाए गए हैं, जो बिजनेस सेंटर्स खोले गए हैं, उन वहां पर जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं क्या वो ड्रग्स का सेवन नहीं कर रहे? सबको पता है, खुली बात है, इस पर जोक्स भी बनते हैं, लेकिन जोक्स बनाते बनाते क्या आप ये भूल जाते हैं कि इसी के जरिए आप किसी का पूरी तरीके से मानसिक शोषण कर रहे हैं? शाहरुख खान का बेटा है तो इसके पीछे क्या तर्क है कि वो ड्रग्स नहीं ले सकता या कोई भी वो गैर कानूनी काम नहीं कर सकता? अपराध को रोकने के लिए अपने अपने कानून बने हुए हैं, वो अपने तरीके से काम करेंगे। अगर शाहरुख खान का बेटा ड्रग्स ले रहा था तो कानून अपना काम करेगा, अगर वो ड्रग्स नहीं ले रहा था तो कानून अपना काम करेगा। लेकिन चीख चिल्लाहट की जरूरत क्या है? ये एक बड़ा सवाल है कि किसी बाप का अगर वो बेटा है, बाप का बड़ा नाम है, तो क्या ऐसे में पवित्रता का कोई सर्टिफिकेट उनके घर पर रखा हुआ है? अगर नहीं रखा हुआ है तो ठीक है, एक आम आदमी है, वो भी अगर किसी मामले में फंसा है उसके ऊपर भी मुकदमा चल रहा है, तमाम चीजें हैं, लेकिन क्या आपके घर में सब कुछ ठीक है? ये एक बार सोचना जरूरी है। क्या आपके घर में दूर रिश्तेदारी तक आपके चाचा भतीजे सब कोई बिल्कुल स्वतंत्र है, बिल्कुल निष्पक्ष है, क्या बिल्कुल पवित्र हो चुके हैं जो आप दूसरों के घरे में इस तरीके से झांकने में दिलचस्पी रखते हैं? देश में और भी चीजें चल रही हैं जो आपको सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। क्या देश में महंगाई का मुद्दा खत्म हो चुका है? क्या देश में बिजली का मुद्दा खत्म हो चुका है? क्या देश में पानी का मुद्दा खत्म हो चुका है? अगर वो मुद्दा खत्म नहीं हुआ तो आपके मन में यह हलचल क्यों है कि क्यों एक एक्टर का लड़का ड्रग्स ले रहा है? अगर वो उसका लड़का ड्रग्स ले रहा है तो यह आपकी परेशानी कैसे है, यह आप जरा सोचिए। और सोचने के बाद यह सोचिए कि अगर आपकी परेशानी नहीं है तो एंकर क्यों चीख चिल्लाकर आपको यह बता रहा है कि एक एक्टर का लड़का आज कौन सी बैरिक में सो रहा है, कौन सी बैरिक में खा रहा है, कौन सी बैरिक में वो पानी पी रहा है? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि एक्टर या फिर कोई बॉलीवुड का बड़ा जो चेहरा है वो जेल जाता है या किसी भी घटना में शामिल होता है तो उसको ऐसे दिखाया जाता है कि पल पल में वो क्या कर रहा है, 10 पॉइंट में पूरी कहानी बताई जाती है, सुबह से लेकर शाम तक उस एक्टर ने क्या कुछ किया एक क्रोनोलॉजी के हिसाब से बताया जाता है। इसके लिए मीडिया वाले चीख चीख कर आपको बताते हैं कि सुबह उठकर उन्होंने कौन सी कंपनी का पानी पिया, दोपहर में उन्होंने कौन सी कंपनी का सलाद खाया है, और रात में उन्होंने लंच में क्या क्या कुछ खाया है। ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे वो जेल में ना गए हों, जैसे उन्होंने कोई अपराध न किया हो, बल्कि वो कोई बड़ा पुरस्कार जीतकर भारत का नाम रोशन करने वाले हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक आम जनता को यह सब मुद्दे परेशान करते रहेंगे जब उनके घर में परेशानियों का एक सैलाब आया हुआ है? क्या नहीं पता सबको कि आम जनता की जेब काटी जा रही है? क्या नहीं पता सबको कि आम जनता कितनी त्रस्त हो चुकी है? क्या नहीं पता सबको कि आम जनता के सामने परेशानियों का कितना बड़ा पुलिंदा है जो रखा हुआ है, उसमें धूल जम चुकी है? लेकिन क्यों देश की आम जनता आज भी इस चीज में ज्यादा एक्साइट हो जाती है कि एक एक्टर का लड़का ड्रग्स में पकड़ा गया है? क्यों इस चीज में ज्यादा एक्साइट हो जाती है कि राजनीति क्या कुछ चल रही है? क्यों हमारे देश की जनता इसी चीज में भावुक हो जाती है कि उनका पसंदीदा नेता एक ऐसी जगह पहुंचा जहां पर उनकी नापसंद करने वाली पार्टी का राज चल रहा है? ऐसे में बात मैं आज छत्तीसगढ़ की करना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ में लगातार एक मुद्दा है जो बहुत ज्यादा हावी हो चुका है। छत्तीसगढ़ में कवर्धा जिला पड़ता है, कवर्धा जिले में एक घटना होती है जहां पर झंडा लगाने को लेकर घटना हो जाती है। हालांकि मुद्दा इतना बड़ा नहीं था, लेकिन देश हमारा भारत है, इकलौता ऐसा देश है जहां पर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, एक झंडा ही काफी है। और
ज्यादा सोच विचार भी ना करें तो एक रंग ही काफी है। हरा रंग उनका है तो ऑरेंज रंग इनका है, तो काला रंग किसी का है, पीला किसी का है, लाल किसी का है। रंगों पर भी सबने कॉपीराइट कर लिया है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि संतरे पर कॉपीराइट किसका है, कोई ये नहीं बताता कि तोता हरा है तो उस पर कॉपीराइट किसका है। अगर तोते पर भी उन्हीं का कॉपीराइट है जिन पर हरे रंग का कॉपीराइट है, तो क्या तोते को आकाश में स्वतंत्रता के साथ उड़ने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए? इसी के साथ, संतरा अगर भगवा रंग का है तो क्या संतरे को वो लोग नहीं खाते जो भगवा रंग के खिलाफ खड़े हो जाते हैं? छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में भी यही कुछ हुआ था। वहां पर एक माता रानी का चौराह नाम से एक जगह प्रसिद्ध है, वहां पर झंडे लगाए गए थे। झंडा काफी समय से एक लगा हुआ था, उसको बताया जाता है कि वो माता रानी को लेकर लगाया गया था, उस झंडे का रंग भगवा था। इसी चीज को लेकर एक कौम, एक धर्म विशेष के लोग वहां पर एक आयोजन करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, कार्यक्रम के बाद वहां पर उस झंडे को उतारने के बाद फाड़ देते हैं, जिसके बाद हिंसा होती है। हिंसा इतनी बड़ी हो जाती है कि अभी तक जो अपडेट है उसके हिसाब से 70 लोगों के घर दबिश दी गई है, 70 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही बाकी लोगों की भी गिरफ्तारियों के लिए तमाम चीजें की जा रही हैं। लेकिन मामला हिंदुओं से जुड़ा हुआ है, जहां पर भगवा रंग के झंडे को फाड़ा गया था और वहां पर सरकार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की है। तो ऐसे में बीजेपी नेताओं की जो टोली है वो रवाना हो चुकी है। नेताओं की टोलियों के बारे में क्या ही कहने, नेताओं की टोलियां बड़ी तेजी से रवाना होती हैं जहां मुद्दा उनके मनपसंद का होता है। हम उत्तर प्रदेश में लगातार देख रहे हैं कि लखीमपुर में किस तरीके से नेताओं की जो टोली है वो पहुंच रही है। रेलगाड़ी नुमा टोलियां लगातार हर दिन पहुंचती हैं। उत्तर प्रदेश में विपक्ष का ऐसा कोई नेता नहीं जो सेंटर तक भी मौजूद हो, और सेंटर तक का भी ऐसा कोई विपक्ष का नेता नहीं जो अभी लखीमपुर खीरी में मौजूद हो। क्या लखीमपुर की घटना इतनी बड़ी है कि लोग इतना ज्यादा भावुक हो चुके हैं? अगर भावुक नहीं हुए हैं तो क्या लखीमपुर के जरिए वो लखनऊ पहुंचना चाहते हैं? ठीक है, लखीमपुर के जरिए लखनऊ पहुंचना चाहते हैं, ठीक हो सकता है, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है? इसी चीज को लेकर विपक्ष इतना भावुक हो चुका है उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, ऐसी ऐसी जगहों पर, लेकिन छत्तीसगढ़ में चुनावों में समय है। तो क्या विपक्ष नींद की गोली खाकर सो चुका है या फिर बीजेपी अपने हिसाब से सब कुछ कर रही है? यह मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि छत्तीसगढ़ में तनाव की स्थिति है, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी अभी तक छत्तीसगढ़ नहीं पहुंचे हैं। राहुल गांधी सेंटर के नेता हैं, जिनका सेंटर के नेताओं के साथ ही उनका आंका जाता है, उनको मापा जाता है, लेकिन अभी तक जो चर्चा का विषय है, जो गंभीर भी है, वो ये है कि राहुल गांधी लखीमपुर तो पहुंच गए, लेकिन क्या राहुल गांधी छत्तीसगढ़ भी जाएंगे? क्या राहुल गांधी उन लोगों को आश्वासन देंगे कि जो लोग कह रहे हैं कि उनकी सरकार है यहां पर कांग्रेस, इसी वजह से उनके लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जैसा कि बीजेपी के लोग आरोप लगा रहे हैं? तो यह बड़ा सवाल है कि जिनकी सरकार है क्या वो लोग भी वहां जाकर पीड़ितों से मुलाकात करेंगे? इसी सवाल के जवाब को ढूंढेंगे आज की चर्चा में, लेकिन उससे पहले एक पैकेज है जो घटना को स्वतंत्र रूप से बिल्कुल आपके सामने साझा करता है। इस पैकेज को देखिए, समझिए, सोचिए, फिर थोड़ा रुकिए और ठहरिए और फिर वापस आइए, फिर हमसे जुड़िए और फिर हम आपको पूरी तस्वीरें साफ साफ आपके सामने रख देंगे। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के कवर्धा शहर को अब किसी की नजर लग गई है। कवर्धा जिले में बीते कुछ समय से लगातार दो समुदाय आमने सामने हैं। ऐसे में एक बार फिर आवाज बुलंद होने लगी है कि क्या कांग्रेस राज में यही सब कुछ देखने को मिलेगा? आपको बता दें कि कवर्धा में बीते रविवार को दो पक्षों के बीच झड़प हो गई थी। झड़प का कारण बना था झंडा। जी हाँ, वो झंडा जिसको एक समुदाय अपना मानता है तो दूसरा समुदाय अपना नहीं मानता है। तो माँ कर्मा चौराहे पर एक झंडा लगा हुआ था जिसे माँ कर्मा का झंडा कहा जाता था। ये भगवा रंग का झंडा था और ऐसे में माँ कर्मा ने ही श्री कृष्ण को पाला था, ऐसी वहां पर कहावत है। तो ऐसे में वो झंडा बहुत पहले से वहां पर लगा हुआ था, लेकिन रविवार को एक दूसरे समुदाय का एक आयोजन था, एक कार्यक्रम था, जिस कार्यक्रम के चलते वहां पर बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग इकट्ठा हुए थे। तो मुस्लिम समाज के लोगों का कार्यक्रम जैसे ही समाप्त होने वाला था, उससे पहले ही भगवा झंडे के पास उन्होंने अपना झंडा लगाने की कोशिश की। इसी बीच किसी शख्स ने पहले से लगे भगवा झंडे को उतारते वक्त फाड़ दिया और इसी अपमान के चलते, झंडे के इसी अपमान के चलते दूसरा समुदाय आग बबूला हो गया। और ऐसे में राम का अपमान बताते हुए, राम के नाम को यहां पर अपमानित करते हुए कुछ लोगों पर आरोप लगाए गए और ऐसे में एक समुदाय सीधे तौर पर सामने आ गया और दूसरे समुदाय से टकरा गया। दो समुदाय आमने सामने थे और दोनों समुदाय के लोगों को चोट भी लगी है।
लेकिन ऐसे में लोग सवाल कर रहे हैं कि पहले से लगे भगवा झंडे को आखिर क्यों उतारा गया, आखिर भगवा झंडे का अपमान बार बार क्यों किया जा रहा है। इस भगवा झंडे का किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है, बल्कि इस भगवा झंडे का संबंध माँ कर्मा से है। माँ कर्मा ने श्री कृष्ण को पाला था और ऐसे में लोगों की इस झंडे को लेकर एक आस्था है। ऐसे में इस आस्था को चोट पहुंचाने का काम आखिर किसके द्वारा किया गया, क्या साजिश थी, इसकी फिलहाल जांच की जा रही है। लेकिन लोगों का लगातार आरोप है कि इससे पहले भी प्रशासन को इस बात की सूचना दी गई थी कि यहां पर मामला गरमाया हुआ है, यहां पर कुछ लोग साजिश के तहत मामला और माहौल दोनों ही खराब करने की कवायद में जुटे हुए हैं। लेकिन प्रशासन ने इसकी सुध नहीं ली और सुध ना लेने के चलते आज मामला गंभीर होता जा रहा है। आपको बता दें कि रविवार में हुई 11 बजे ये घटना, जिसके बाद लगातार कवर्धा जिले में तनाव की स्थिति बनी हुई है और स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। स्थिति को बिगड़ता देख अब पुलिस प्रशासन ने हर चीज बंद करने का ऐलान कर दिया है। पुलिस प्रशासन ने ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही थी वो भी बंद करवा दी हैं। दफ्तर भी आंशिक रूप से बंद है, धारा 144 लागू है, किसी को भी बिना किसी काम के बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इसी के साथ सबसे बड़ा फैसला लिया गया है कि कवर्धा जिले की जो सीमाएं हैं उसे सील कर दिया गया है। यहां पर कोई भी जिले से बाहर नहीं जा सकता जब तक उसके पास कोई महत्वपूर्ण कारण ना हो। तो ऐसे में कवर्धा जल रहा है, लेकिन सियासत की बात तो देखिए कि कवर्धा जल रहा है लेकिन इसी सूबे के मुखिया भूपेश बघेल लखनऊ में बैठे हैं। भूपेश बघेल लखनऊ में बैठकर एयरपोर्ट पर धरना दे रही हैं। धरना कवर्धा जिले में होती घटना को लेकर नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों और मंत्री के बीच हुई झड़प के बाद जिस तरीके से बीजेपी समर्थकों की मौत हुई और 4 किसानों की भी मौत हुई, उसको लेकर यहां पर धरना दिया जा रहा है। लेकिन लखनऊ में धरना देते भूपेश बघेल शायद भूल गए कि उनके खुद के गृह राज्य में एक शहर है जो जल रहा है, जहां पर 2 समुदाय आमने सामने हैं, लेकिन कोई भी इसकी सुध नहीं ले पा रहा। लोकल प्रशासन पहले ही घुटने टेक चुका है, अभी तक मामला पूरी तरह से शांत नहीं हो सका है, तनाव की स्थिति अभी भी बरकरार है। हालांकि पहले की तरह जो चीजें थी बिगड़ती जा रही थी उनको संभालने में एक हद तक कामयाबी जरूर मिली है, लेकिन पूरी तरह से शांति अभी तक स्थापित नहीं की जा चुकी है। ये भी जांच का विषय है और सवाल भी है कि आखिर क्यों बार बार भगवा झंडे का अपमान किया जा रहा है। इससे पहले राजस्थान में भी देखा गया था कि भगवा झंडे को उतारते वक्त फाड़ दिया गया था और वैसा ही अब कुछ छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है, जहां कवर्धा जिले में झंडे को फाड़ दिया गया। इसको लेकर 2 समुदाय आमने सामने हैं, कवर्धा जिला सील है और अब यहाँ इस सूबे के मुखिया लखनऊ में बैठ कर एयरपोर्ट पर धरने का ड्रामा दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। तो बड़ा वाजिब सा सवाल है कि आखिर क्यों ऐसा होने लगता है, आखिर क्यों कब तक हमारे समाज में ये सब कुछ होता रहेगा। क्योंकि आपको बता दूं कि नवरात्रे हैं और कल से नवरात्रे शुरू हो चुके हैं, ऐसे में अभी तक जहां 25 से ज्यादा मंदिरों में दुर्गा मूर्ति की स्थापना की जाती थी, वहां पूजाएं होती थी, खूब सजाया जाता था उनको, लेकिन अब इस बार ऐसा नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि कवर्धा में अब तनावपूर्ण शांति है। जी हाँ, तनावपूर्ण शांति इसलिए कह रहा हूँ कि पुलिस लगातार शांति मार्च कर रही है, फ्लैग मार्च कर रही है, 70 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार करने की खबर आ रही है, बीजेपी नेता पूरे इलाकों की सीमाओं पर बैठ चुके हैं, वो लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि उनको अंदर जाने दिया जाए। वहाँ के आईजी के ऊपर लगातार, आईजी जो दुर्ग हैं उनके ऊपर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो बीजेपी नेताओं का लगातार ये आरोप है कि हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमें अंदर जाने दिया जाए, ताकि जो वहां पर आईजी दुर्ग हैं उनके खिलाफ हम रिपोर्ट दर्ज करा सकें, क्योंकि आईजी दुर्ग जो हैं वो लगातार बीजेपी के लोगों को ही हमलावर
उन पर ही हैं। वो लगातार बीजेपी के लोगों को पकड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं, वो लगातार उन्हीं लोगों को पकड़ रहे हैं जो हिंदू संगठनों से जुड़े हैं या फिर बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। तो ऐसा बीजेपी नेताओं का आरोप है जो कवर्धा की सीमाओं पर जिनको रोक दिया गया है। आपको बता दूं कि जो बीजेपी के नेता कवर्धा की सीमाओं पर रोके गए हैं, वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि वो किसी तरीके से कवर्धा के अंदर जा सके। कवर्धा के अंदर जाकर उनका जैसे कि कहना है कि कवर्धा के अंदर जाकर वो सिर्फ थाने में जाकर एक शिकायत दर्ज कराना चाहते थे आईजी दुर्ग के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने जो कार्रवाई की है वो निष्पक्ष नहीं की, ऐसा उनका आरोप है। उन्होंने कार्रवाई जो की है वो एक धर्म विशेष के ध्यान में रखते हुए की है। उन्होंने सिर्फ हिंदू संगठनों के जो लोग थे उनको सिर्फ उन पर कार्रवाई की है, बीजेपी से जो लोग ताल्लुक रखते थे सिर्फ उन पर कार्रवाई की है, ऐसा बीजेपी नेताओं का लगातार आरोप। इसके साथ ही ये आरोप भी है कि वहां पर दूसरे धर्म के लोग भी शामिल थे, उन्होंने दरअसल इस पूरे जो मामला है, पूरी जो हिंसा है उसकी शुरुआत की थी, लेकिन इसके बावजूद कार्रवाई निष्पक्ष नहीं की जा रही है। तो ऐसे में सवाल ये है कि कवर्धा की जो घटना है वो धीरे धीरे दंगे का स्वरूप भी ले चुकी है कहीं ना कहीं, लेकिन ऐसा क्यों हो जाता है? हमें समाज में जाकर समाज की उस जो नव्ज़ है उसको भी टटोलने की ज़रूरत है कि जहां पर आपको हल्की सी चिंगारी अगर आपके जहन में लगा दी जाती है तो आप इतना ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसको समझाने के लिए आज मैं एक जरिया अपना रहा हूँ, वो कितना ठीक है कितना नहीं वो आप खुद समझिएगा, लेकिन एक बात बताइए, ये जो घटना है जहां पर छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले की जो घटना है जहां पर ये पूरी हिंसा हुई जिसको धार्मिक जो एंगल दिया गया, एक बात समझिए, ये आम युवाओं से मेरी डायरेक्ट वन टू वन बातचीत है, एक बात समझिए कि देश में सिर्फ दो जाति रहती है, देश में सिर्फ दो धर्म रहते हैं, एक जाति एक धर्म, एक जाति एक धर्म, सिर्फ दो ही हैं, इसके अलावा तीसरे की कोई बात करे वो झूठ बोल रहा है। और ये जो दो जाति हैं, जो दो धर्म हैं, उनके बारे में आपको बता देता हूं, ये जो दो जाति दो धर्म हैं, ये सिर्फ वो हैं जो बड़े लोग हैं और दूसरे वो हैं जो आम लोग हैं। जो बड़े लोग हैं वो सिर्फ 1% हैं और जो आम लोग हैं वो 99% हैं। जो बड़े लोग हैं उनको धर्म से कोई मतलब नहीं, जाति से कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ काम करने में विश्वास रखते हैं, कर्म ही उनका धर्म है। लेकिन जो 99% लोग हैं उनको बड़ा आसान है गुरु, उनको लड़वा दो, उनको आप धर्म के नाम पर लड़वा दो, उनको आप जात के नाम पर लड़वा दो, उनको आप किसी भी नाम पर लड़वा दो, उन्हें क्षेत्र के नाम पर लड़वा दो, लैंग्वेज के नाम पर लड़ा दो, भाषा के नाम पर लड़ा दो, खेत के नाम पर लड़ा दो, किसी भी नाम पर लड़ा दो, वो लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। वो आपकी समस्याओं पर बहुत तेजी से लड़ेंगे, वो धर्म के नाम पर लड़ेंगे, जात के नाम पर लड़ेंगे, लेकिन जब उनके घर में खुद समस्या चल रही हो, घर में खाने के लिए परेशानी हो, घर में रात में क्या भोजन बनेगा इसकी व्यवस्था ना हो, लेकिन क्या हमारे पसंदीदा जो हमारी पार्टी है उसका झंडा बैनर कहीं गिरा तो नहीं दिया क्या, यह चिंता ज्यादा सताती है। क्या हमारे जाति विशेष का एक राजा है उसकी मूर्ति सही से लगी तो है, हमारा नाम उसके आगे लिखा तो है हमारी जाति का या नहीं लिखा है, तो इसको लेकर बड़ा बवाल है। तो इनकी जो प्राथमिकताएं हैं वो अलग हैं, लेकिन इन लोगों को समझना चाहिए कि आप जिस समाज में रहते हैं, आप जितनी भी जाति की बात करें, जितनी भी धर्म की बात करें, लेकिन इस बात को बिल्कुल भी मत भूलिए कि सिर्फ दो ही धर्म है, सिर्फ दो ही जाति है, दो ही हर चीज दो ही चीजों में बटा हुआ है। एक वो है जो 1% में रहते हैं, एक वो है जो 99% में रहते हैं। एक और चीज ध्यान रखिए, कभी भी वो 1% वाला आपके 99% में रहने क्यों नहीं आया? सोचा आपने? आपने कभी सोचा कि हर शहर में एक पॉश कॉलोनी क्यों होती है? इसी के साथ जो बड़े शहर में जाते हैं आप, तो वहां पर एक बकायदा एक अमीरों का इलाका क्यों होता है? दिल्ली का साउथ एक्स सभी ने देखा है, ऐसे ही तमाम और भी जगहें हैं। तो आप सोचिए कि वो 1% वाला जो है वो आपसे कभी मिक्स क्यों नहीं होता? क्योंकि उनकी जो सोचने और समझने की जो शक्ति है वो आप लोगों से कई गुना बेहतर और कई गुना ज्यादा है। ना तो वो आपकी तरह सोचते हैं, ना आपकी तरह समझते हैं। आप लोग जाति का जो झुंझुना आपको पकड़ाया गया है उसी को लेकर तंबूरा हिलाते रहते हैं जी, जो धर्म को लेकर जो बातचीत है उसको आप करते रहते हैं। तो आप लोगों को सोचने की जरूरत है कि आखिर क्यों ऐसा होता है, सोचने की जरूरत है कि आखिर कब तक आप धर्म और जाति का ये जो झुंझुना आपको पकड़ाया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू, आप इसको कब तक लेकर घूमते रहेंगे? कब तक आप इस चीज को नहीं समझने की कोशिश करते रहेंगे कि ठीक है हम जो कर रहे हैं वही बेहतर है? आप क्यों अपने घर का नहीं सोचते, क्यों अपने परिवार का नहीं सोच पा रहे, क्यों आप इन चीजों में अपना जो समय है उसको व्यस्त कर रहे हैं? ये चीज इसलिए बोलनी भी जरूरी है क्योंकि कुछ दिनों पहले गांधी जयंती थी, गांधी जयंती को लेकर वो लोग बोल रहे थे जिन लोगों ने कभी गांधी को पढ़ा ही नहीं,
और वो लोग भी बोल रहे थे जिन्होंने कभी गांधी को पढ़ा तो नहीं लेकिन दूसरों को सीख दे रहे थे कि गांधी को पढ़ लीजिए, गांधी को पढ़ लीजिए। दरअसल दोनों ही लोग बेवकूफ हैं, दोनों ही लोग आज तक गांधी के नाम पर लड़ रहे हैं। एक गांधी को सब कुछ बताना चाहता है तो एक गांधी को कुछ भी नहीं बताना चाहता है। दोनों ही लोग वो हैं जिन पर अगर गुर्बत की आंधी आए तो कहां पर जाकर गिरेंगे, किसी को कोई भरोसा नहीं है। लेकिन इन दोनों ही लोगों को सोचना चाहिए कि गांधी जी तो गांधी जी, वो तो जो थे 1% की श्रेणी में आते थे और उसके बाद वो ऐसे अमर हुए कि जीवन भर वो चलने वाले हैं। जब तक ये दुनिया है तब तक वो चलेंगे और जब तक ये दुनिया है तब तक जाति धर्म के नाम पर आप लोग बढ़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे। ये सत्य है, इसको कोई नकार नहीं सकता। बस हम एक चीज कर सकते हैं कि आपको 1% के साटे में रहना है या फिर आपको 99% वाले साटे में रहना है। ये आपके मन का विकल्प है, ये आपके सामने विकल्प खुला है। आप जिसमें रहना चाहें उसमें रहने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन कब तक आप इन्हीं चीजों पर अड़े रहेंगे कि गांधी जी ने सब कुछ कर दिया या गांधी जी ने कुछ नहीं कर दिया, वल्लभ भाई पटेल ने सब कुछ कर दिया या वल्लभ भाई पटेल ने कुछ भी नहीं कर दिया, तो आप इन चीजों पर कब तक लड़ते रहेंगे, कब तक इन चीजों पर मरते रहेंगे? वो लोग, जो लोग मरने के बाद भी अमर हो गए, वो उनके किए हुए जो काम थे वही काम है, आज भी लाइमलाइट में है, आज भी चर्चा में है। लेकिन क्या उन चर्चा के सहारे हमको लड़ने की जरूरत है? ये आपको समझने की जरूरत है। तो ऐसे में कांग्रेस प्रवक्ता है भगत बिगड़ोरी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, अगर उनको मेरी आवाज आ रही हो तो बहुत बहुत स्वागत है भगत साहब। धन्यवाद भगत बिडोरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। धन्यवाद सर, धन्यवाद जी। भगत बिडोरी साहब, मेरा नाम कावेंद्र चौहान है। बिडोरी साहब, मैं पूछूंगा क्या कुछ चल रहा है ये छत्तीसगढ़ में? देखिए, कुछ शरारती तत्व हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, सरकार उसमें बड़ी तत्परता से अपना काम कर रही है और बहुत जल्द उन सबके अरेस्टिंग हो जाएगी और इसके ऊपर जाँच हो रही है, न्यायिक जाँच हो रही है और इसमें जो भी होगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बाकी ये सब चीजें जो है, ये जो चीज हो रही है, ये कुछ शरारती तत्व है जो समाज के माहौल को खराब करना चाहते हैं और हमें बड़े संयम से और बहुत ही इससे संयम से काम लेना होगा और सरकार का पूरा समर्थन करना होगा और इसको ज्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए, इसको ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए। ये कुछ तत्वों की शरारत है, उसको जल्द ही उससे सरकार ठीक है। नहीं, ये जाना चाहता था कि लखीमपुर की घटना को इतना तूल दिया गया वो ठीक है, लेकिन इसको तूल नहीं दिया जाना चाहिए। इसको क्यों तूल नहीं दिया जाना चाहिए? वहां पर हिंसा होती है, वहां पर 70 लोगों की गिरफ्तारी जैसा कि मैं सुन पा रहा हूं वो सब कुछ हुई है अभी तक। वहां पर सीमाओं के अंदर बीजेपी के जो नेता है जहां पर विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं उनको अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा। नवरात्रि का जो त्यौहार है वो एक तरीके से उसको त्यौहार ही बोलूंगा, वो पर्व जो है वो शुरू हो चुका है। वहां पर मंदिरों की संख्या जहां पर मूर्ति स्थापना होती थी उसको घटा दिया गया है, तो ये कांग्रेस राज में क्यों हो रहा है, लोग सवाल पूछ रहे हैं। देखिए देखिए, बिल्कुल बिल्कुल आप गलत गलत जानकारी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। और कोई भी विपक्षी दल अगर अपनी आवाज उठा रहा है तो उसकी सुनवाई हो रही है और कार्रवाई हो रही है। आप जहां लखीमपुर खीरी से इसकी तुलना नहीं कर सकते, लखीमपुर खीरी में एक गृह राज्य मंत्री का बेटा और अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और 8 वहां पे मौतें हो चुकी है, 8 हत्याएं हुई है, निर्मम हत्याएं हुई है। वो किसी भी दल के हो, एक वो हिंदुस्तान के नागरिक हैं। का वेट कर रहे हैं आप, ये वेट कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में कि जब तक हत्या नहीं होती तब तक उसको तूल ना दिया जाए, जब तक मामला ज्यादा ना बिगड़ जाए तब तक तूल ना दिया जाए? देखिए देखिए, जब कोई भी धार्मिक उन्माद की मंशा से जो उत्पात होता है उसको कभी भी तूल नहीं देना चाहिए, उसको दबाना चाहिए, उसको खत्म करना चाहिए वहीं पे। अच्छा। उसको कभी भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, ये जो किसान आंदोलन है ये एक अलग इशू है, वो एक अलग इशू है। आपकी सरकार के अंदर ये क्या हो रहा है, ये हिंदू मुस्लिम किस लिए हो रहा है? आपकी सरकार है वहां पर, ये हिंदू मुस्लिम क्यों हो रहा है? ये मैं अपने मुंह से ये बातें नहीं कहूंगा कि ये कौन करता है कौन नहीं करता, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, ठीक है? नहीं, मैं नहीं जानता, आप बताइए। पार्टी पॉलिटिक्स, ये भाजपा के लोग हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ये भाजपा के तत्व हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं और हर स्टेट में कर रहे हैं ये। नहीं, भाजपा जहां पर भाजपा की सरकार है वहां भी आप आरोपी बना देते हैं कि उनकी सरकार है इसलिए ये सब कुछ हो रहा है, जहां पर उनकी सरकार नहीं है वहां पर भी वही लोग जिम्मेदार हैं, तो आप सरकार में क्यों हैं? सरकार अपना काम कर रही है, सरकार इसमें पूरी तरह से इसमें गिरफ्तारियां कर रही है, जो जो इस तरह के लोग हैं उनकी जांच हो रही है। ठीक है, भूपेश बघेल साहब तो थोड़े दिनों पहले मुझे लखनऊ एयरपोर्ट पर नजर आ रहे थे, उनके राज्य के एक जिले में इस तरीके की जो घटना है वो छिड़ी हुई है, तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, वो अपना राज्य छोड़कर लखनऊ में काहे बैठे? चौहान साहब, हिंदुस्तान के अंदर है, हमारे तो प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर रहते हैं, हिंदुस्तान में अभी तक एक शब्द नहीं बोले हमारे प्रधानमंत्री जी, तो आप उनकी कहाँ उससे बराबरी कर रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर है वो, तो ये तो हमारे तो विदेश के शहर में रहते हैं हमारे प्रधानमंत्री साहब, तो
नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि तनावपूर्ण स्थिति बनी लखीमपुर लखीमपुर खीरी पर एक भी बयान आया अभी तक? गृह मंत्री को क्या इस्तीफा नहीं देना चाहिए? राहुल गांधी, नहीं मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ अभी तक अरेस्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए हत्यारों को जिनके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज हुआ? आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी करी है, सख्त टिप्पणी करी है और उत्तर प्रदेश सरकार को लगातार बहस कर चुका हूँ, उस पर मैं बहस कर चुका हूँ। सीधी तरीके से बात है कि मंत्री का बेटा है इसलिए अभी तक फरार है और गुड़ मलाई खा रहा है, ठीक है, कोई और होता तो अभी तक गिरफ्तार हो चुका होता, ठीक है, उस पर बहस हो चुकी है। किस पार्टी के मंत्री है, किस पार्टी की सरकार है और मंत्री कौन से सरकार का है, ठीक है, वो एक अलग विषय है, उस पर चर्चा हो चुकी है, बहस हो चुकी है, उस पर आपको भी आमंत्रित किया जाएगा, कल फिर होगी, कल फिर आपको आमंत्रित कर लूंगा। मैं भी उस बहस में नहीं जाना चाहता, मैं भी उस बहस में नहीं जा रहा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप उससे तुलना कर रहे हैं उसकी। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था कि भूपेश बघेल साहब, क्योंकि वो मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के, अगर उनके राज्य में सब कुछ ठीक नहीं है, किसी जिले में स्थिति बिगड़ सकती है और ये बहुत संभालना जरूरी है, आप इसकी गंभीरता को समझ सकते हैं, अगर हल्की सी भी यहाँ चिंगारी और लग गई तो चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ सकती हैं। तो मुख्यमंत्री को यहाँ पर मॉनिटरिंग करनी चाहिए या दूसरे राज्य में जाने की जरूरत थी? देखिए, सरकार अपना काम कर रही है, गृह मंत्री स्टेट के गृह मंत्री हैं और सारी सरकार सारा तंत्र लगा हुआ है और बघेल साहब उसकी पूरी अच्छा ठीक है, तंत्र लगा हुआ है इसलिए बघेल साहब दूसरे राज्य में जो कुछ चल रहा है उसको देख रहे हैं। आगे वो बघेल साहब वहाँ से आगे हैं, वो एक बात बताइए, बघेल साहब को छत्तीसगढ़ की जनता ने चुनकर लखनऊ पहुंचाया था क्या? लखनऊ नहीं पहुंचाया क्या? प्रधान लखनऊ के लिए इतना ज्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं, वो अपने राज्य के लोगों के लिए चिंतित क्यों नहीं है? नहीं, मुझे बताइए, जब ये सारे मुख्यमंत्री बंगाल के चुनाव में होते हैं तब आप इनसे सवाल क्यों नहीं करते? समझ गया उत्तर प्रदेश में चुनाव है, ठीक है, समझ गया, उत्तर प्रदेश में चुनाव है इसलिए आपकी पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं, आप ये कहना चाहते हैं वहाँ पर उत्तर प्रदेश के? नहीं, अभी आपने कहा कि बंगाल में जब चुनाव होते हैं तो बीजेपी के सारे लोग वहाँ पर होते हैं, ठीक है, वो जाहिर सी बात है, तो इसीलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है आपकी पार्टी के लोग लगातार वहाँ पर जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, उत्तर प्रदेश में अराजकता फैलाई हुई है, हमारे नेताओं को वहाँ पर नहीं, अभी सुनिए, अभी आप समझिए, आपने बंगाल का जिक्र क्यों होने के बाद में वहाँ को, आपने कहा बंगाल में चुनाव होते हैं तो वहाँ पर जाते हैं इसलिए उत्तर प्रदेश में चुनाव है इसलिए आप भी वहाँ पर जा रहे हैं। मैं अपना जवाब दूं? आपने तो जवाब दूं? आपने दे दिया, जवाब दूं? आपने दे दिया, ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो कवर्धा में जो कुछ घटना हुई है उसको लेकर हम चर्चा भी कर रहे थे, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता साहब जुड़े हुए थे, इन्होंने कहा कि जिस तरीके से बंगाल में भी जब चुनावों में बीजेपी के लोग बीजेपी के मुख्यमंत्री अगर जा सकते हैं तो ऐसे में क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में हमारे भी मुख्यमंत्री जा सकते हैं। उन्होंने चुनावों का तो जिक्र नहीं किया लेकिन मोटा मोटी वो यही बात कहना चाहते थे, उनके दिल की बात को हमने निकाल कर उनके मुख से आपके सामने रख दिया। लेकिन कवर्धा में जो कुछ हो रहा है इसको लेकर एक ही बात कहेंगे कि लोग जो वहां पर हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप पर किसी भी भ्रामक जानकारी को फॉरवर्ड करने से बचें, फॉरवर्ड जैसी चीजों पर अभी ध्यान ना दें, अफवाहें ना फैलाएं, चीजों को शांत करने में अभी प्रशासन का सहयोग करें। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।